स्टीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AIUTUC की संबद्धता स्कीम वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, मितानी, मध्यान्ह भोजन आदि संगठनों के नियमितीकरण एवं शासकीय कर्मचारी दर्जा की मांग पर पखंजू श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन एवं रैली निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी पखंजू के हाथों ज्ञापन सौंपे। छत्तीसगढ़ मितानी संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद ने कहा कि हम कर्मचारियों ने दशकों से सरकार की हर योजनाएं आपदा महामारी के खिलाफ लड़े, जान कुर्बान कर दी। शासकीय नियम नीति अनुरूप शासकीय कर्मचारियों के समान ही स्कीम वर्कर्सों की नियुक्ति दी। छत्तीसगढ़ संघर्षशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन के प्रांत सचिव कल्पना चंद ने कहा कि हमारी उम्र, शिक्षा, दक्षता आदि निर्धारित समयावधि में शासन प्रशासन ने नियम आधार पर नियुक्ति दी। सरकार ने पदभार ग्रहण करने हेतु शासकीय तंत्र के माध्यम से आदेश प्रेषित किया है। फेडरेशन ने मांग की है कि स्कीम वर्कर्स को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी वर्कर माना जाए और नियमानुसार निर्धारित वेतन, अवकाश, इलाज भत्ता आश्रित पारिवारिक सदस्यों के लिए दिया जाए। सेवानिवृत्त होने पर सभी को पेंशन समेत अन्य लाभ दिए जाएं। उपरोक्त मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक संबंधित कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के बराबर रखते हुए प्रतिमाह ₹21,000 वेतन मजदूरी दी जाए। साथ ही साथ स्वयं एवं आश्रित पारिवारिक सदस्यों के लिए इलाज पर हुए खर्च को वापस पाने की सुविधा दी जाए। सेवानिवृत्त स्कीम वर्कर्स को सेवानिवृत्ति समय ₹5,00,000 एकमुश्त लाख का भुगतान करें। जिन कर्मचारियों की पूर्व में सेवानिवृत्ति हुई है उन्हें भी पूरी पूरी लाभ दिया जाए एवं ₹5,000 पेंशन दिए जाने की मांग की गई है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।